मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी से कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्रों को जोड़ने वाले रानीबाग पुल का शुभारंभ किया। इस दौरान केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, नैनीताल जिले की प्रभारी मंत्री रेखा आर्य, भीमताल विधायक राम सिंह केड़ा कार्यक्रम में मौजूद रहे। आपको बता दें, पुल को 7,17,00,000 की लागत से तैयार किया गया है, जिससे अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत और नैनीताल के पर्वतीय क्षेत्रों को जाने वाले लोगों को काफी आसानी होगी। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ये रानीबाग का पुल जो विधानसभा क्षेत्र भीमताल में पड़ता है, यहां से रानीबाग, भीमताल, पदमपुरी, लोहाघाट, पंतेश्वर राज्य मार्ग पर जो कि पुराने पुल के समीप ही है, इसके खुलने से बहुत बड़ा मार्ग और बहुत लंबे क्षेत्र के, पिछले दिनों में लोहाघाट गया था तो लोहाघाट के लोग भी मुझे चर्चा कर रहे थे कि ये पुल खुल जाएगा, नया पुल जिस दिन से खुल जाएगा तो उस दिन से बहुत बड़ी समस्या जो जाम की लगती है, उस जाम की समस्या का निदान हो जाएगा। इसके ये पुल के निर्मित होने से जहां 2 लेन 1 क्लास लोडिंग स्टील गार्डर पुल के लोकार्पण के अवसर पर मैं आप सब लोगों को मैं बहुत बधाई देता हूं। हम मांग कर रहे हैं टूटी फूटी सड़कों को ठीक करने की, हम मांग कर रहे हैं ISPT के निर्माण की, हम जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं, पुलिस को सहारा लेकर मुख्यमंत्री लगातार जनता की आवाज को पकड़ने का काम कर रहे हैं। आज काफी खुशी हो रही कि आज रानीबाग पुल का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है और साथ ही माननीय सांसद जी द्वारा। देखिए, कुमाऊं का प्रवेश द्वार हल्द्वानी है और हल्द्वानी से कुमाऊं के जितने भी पर्वतीय जनपद हैं, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत, इनको कनेक्ट करने वाला ये पुल यहाँ की लाइफलाइन है। और जिस तरीके से माननीय धामी जी ने 1 वर्ष से लगातार उनके सुपरविजन में काम चल रहा